हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंशॉलिपीज चैनल। आज की रेसिपी है हैदराबादी मसाला चिकन। ये बहुत ही यामी बनता है, तो चलिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पे अनियन। अनियन को मैंने ऐसे रफली कट कर लिया है। मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा अनियन लिया है, 4 ग्रीन चिली लिया है और यहाँ पे लिया है बोनलेस चिकन, आप विद बोन भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 1 कप योगर्ट यूज़ किया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये सारे हैं सूखे खड़े गर्म मसाले। तो ड्राई रेड चिली, मैंने 2 ड्राई रेड चिली को ऐसे पीसेस कर लिया है। कोरिएंडर सीड्स लिया है 1 स्पून, क्यूमिन सीड्स लिया है 1 स्पून एंड 1/2 स्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर लिया है, होल ब्लैक पेपर। रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, और टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट एंड वेजिटेबल ऑयल, आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। एक पैन ले लेंगे और उसके अंदर ये ड्राई रेड चिली, कोरिएंडर सीड्स, क्यूमिन सीड्स एंड ब्लैक पेपर, होल ब्लैक पेपर को मैं थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लूँगी और ये इससे बहुत ही अच्छा एक स्मेल आ जाए तब तक मैं इसको रोस्ट कर लूँगी। अच्छी तरह से रोस्ट करना है, ऐसे हिला खिला के। और आपको पैन टॉस करना आता है, आप पैन टॉस करके भी रोस्ट कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट कर चुकी हूँ। अभी मैं एक बड़ा सा पैन ले लूँगी और उसके अंदर हम डाल देंगे 2 बिग स्पून ऑयल और वो ऑयल हॉट हो जाए, फिर उसके अंदर हम डाल देंगे वो रफली कटेड अनियन। फिर इस अनियन को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब तक अनियन सॉफ्ट एंड ब्राउन कलर ना हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। और जब तक ये अनियन सॉफ्ट हो रहा है, ब्राउन हो रहा है, तब तक मैं इस मसाले को ठंडा कर लूँगी, फिर इसका एक महीन पाउडर बना लूँगी। देखिए अनियन थोड़ा सा हल्का पिंक हो चुका है। इसी टाइम पे आप थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। जब तक ये अनियन फ्राई होता है तब तक मैं उस मसाले को ग्राइंड कर लेती हूँ। ये मसाला बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है। अभी मैं इसका एक सूखा पाउडर बना लूँगी। मैं मिक्सी जार में ले लूँगी और इसका एक अच्छी तरह से एक पीस के एक पाउडर बना लूँगी। ये देखिए कितना अच्छी तरह से मैंने इसका एक पाउडर बना लिया है। ये आप पहले से भी करके रख सकते हैं। ये आप कोई भी कंटेनर में या टेट कंटेनर में आप इसको रख सकते हैं, फिर बाद में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चिकन बहुत ही जल्दी बन जाएगा। अभी मैं इस अनियन को एक कंटेनर में उठा लूँगी, फ्राइड अनियन को, फिर इसका एक महीन पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा सा मैंने इसको ग्राइंडर में लेके पेस्ट किया है, उसके बाद उसके अंदर हम डाल देंगे वो योगर्ट, फिर हम इसका थिक पेस्ट बना लेंगे। याद रखिए इसके अंदर कोई पानी मत यूज़ कीजिए इस पेस्ट बनाने के टाइम पे। फिर इसके अंदर मैं इस चिकन के अंदर मैं वो जो फ्राइड अनियन एंड योगर्ट डाल के जो पेस्ट बनाया था वो मैं डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मैरिनेट करके रख दूँगी 1 घंटे के लिए। आपको आपके पास टाइम हो तो आप ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। फिर मैं उसी पैन में ही जिंजर गार्लिक पेस्ट दे दूंगी, एक्स्ट्रा ऑयल की ज़रूरत नहीं, जितना ऑयल एक्सेस है वो एनाफ है। फिर उसके अंदर हम डाल देंगे 1 बिग स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर अच्छी तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे टर्मरिक पाउडर एंड कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा एक कलर आएगा। फिर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसी टाइम पे हम ग्रीन चिली भी ऐड कर लेंगे। आपको और भी तीखा खाना है आप और भी ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं। देखिए अच्छी तरह से मसाला गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अभी इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा वाटर, नहीं तो मसाला जल जाएगा। थोड़ा सा मैंने वाटर डाला है और अच्छी तरह से मसालों को पका लेंगे। देखिए मसाला तो थोड़ा सूख चुका है, ऑयल भी छोड़ने लगा है। अभी मैं जो मैरिनेटेड चिकन है मैं उसको
इसके अंदर डाल दूंगी। फिर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और इस चिकन को हम ढक के 10 मिनट्स के लिए पका लेंगे, क्योंकि इस चिकन से बहुत सारा पानी आप ऑटोमेटिकली छोड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आफ्टर 10 मिनट्स के बाद देखिए कितना सारे पानी छोड़ा है। अभी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे उस पानी को चिकन के अंदर से। और इसके अंदर अभी हम डाल देंगे टेस्ट सॉल्ट, जितना सॉल्ट की ज़रूरत है उतना सॉल्ट ही हम डाल देंगे। और जो ड्राई रोस्ट किया हुआ मसाला मैंने रेडी किया था वो मसाला हम डाल देंगे। फिर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 10 मिनट्स के लिए हम इसको ढक के पका लेंगे। ये मसाला आप पहले से रेडी करके रख देंगे, तो आपको जब भी चिकन बनाने की ज़रूरत हो तब आप ये मसाला यूज़ कर सकते हैं। फिर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद देखिए आफ्टर 10 मिनट्स के बाद कितना अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अभी मैं एक बोल लेके ये चिकन को सर्व कर दूंगी। ये चिकन आप रोटी के साथ, पराठा के साथ, जीरा राइस के साथ, पुलाव के साथ, राइस के साथ, नॉर्मल राइस के साथ भी आप खा सकते हैं। ये बहुत ही यम्मी बना है, आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वो पिक्चर मुझे इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, तो कभी मेरे इस चैनल में कोई भी रेसिपी आप मिस नहीं करेंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।